अभी ये है कि ये एक बहुत टाइम के बाद दोबारा से ऐसा टाइम दोबारा आ रहा है कि जब हीरोइन सेंट्रिक फिल्में बननी शुरू हो गई हैं एंड ऑडियंस जो है उसको एक्सेप्ट कर रही है, विच इज़ गुड, इट्स अ गुड पार्ट, चाहे वो डर्टी पिक्चर हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो फैशन हो. तो ऑफ कोर्स यस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू अ फिल्म विच इज़ अ हीरोइन सेंट्रिक फिल्म, बट फिल्म तो फिल्म होती है. चाहे वो हीरो सेंट्रिक हो, चाहे वो हीरोइन सेंट्रिक हो, मुझे ऐसा लगता है जितने भी एक्टर्स एक फिल्म का पार्ट होते हैं वो इक्वल उतना ही पार्ट होते हैं. तो इक्वली दे आर वर्किंग हार्ड एंड इक्वली दे आर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ इट. सो वो कोई भी फिल्म हो, अच्छी फिल्म होनी चाहिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. बॉलीवुड में हर कोई नई हीरोइन खान के साथ काम करना चाहती है, आप किस खान के साथ काम करना चाहती? सी यार, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या काम मिल रहा है, किसके साथ ऑफर मिल रही है. सी या आई एम एन एक्ट्रेस एंड आई वॉन्ट टू वर्क विद ऑल द हीरोज, ऑल द गुड पीपल इन द इंडस्ट्री. वो सारे हीरो हों, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ऋतिक रोशन हो, एनी बडी, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, तो जिसके साथ काम मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, वाई नॉट. ये तो दिली ख्वाहिश होती है ना कि अच्छे एक्टर के साथ काम करना, अगर आप इस इंडस्ट्री में हो, अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम करना है, अच्छे प्रोड्यूसर के साथ काम करना है, डायरेक्टर के साथ, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करना है, ये हर किसी की ख्वाहिश है. तो मैं भी उन्हीं कॉमन लड़कियों में से एक लड़की हूँ. कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ इनके साथ करना है या इनके साथ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है. मधुर भंडारकर ने जो अपनी फिल्मों में दिखाया, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो हीरोइन हो, कि मॉडल्स की और एक्ट्रेसेस की लाइफ कैसी होती है, ऑफ स्क्रीन उनकी लाइफ कैसी होती है, उनको किस किस तरह के सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, किस किस टाइम के साथ उनको गुजरना पड़ता है, ये ग्लैमरस. वही मैंने कहा कि मैं भी वही एक ऐसा इंसान हूँ कि जिसने स्क्रीन पे, न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स में एक्ट्रेसेस को देखा और फिल्मों में उनको देखा और लगा कि यार दिस इज़ रियली ऑसम, दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी वन ऑफ देम, बट एज एन मॉडल. बट येस, जो उन्होंने दिखाया, इट इज़ नॉट दैट ईजी टू बी ग्लैमरस 24/7, अपने आप को ऑन द टोज रखना, अपने आप को उतना ब्यूटिफुल रखना, उतना वेल मेंटेन रखना, इट इज़ गुड. आजकल हर लड़की लड़का यही करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू लुक मोर ब्यूटिफुल, दे वॉन्ट टू लुक मोर हैंडसम, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी इफ़ यू आर इन दैट प्रोफेशन. तो वो आप एक स्क्रूटनी में रोज आते हो, बार बार आते हो. So yes, it is difficult also and but it is exciting though it is a profession, and जब तक आप उसको कर रहे हो और आप उसको enjoy कर रहे हो, वो आपको name, fame, popularity एक तरह का satisfaction दे रहा है अगर वो profession, तो उससे अच्छा I don't think कि दुनिया में और कोई काम है.